सर मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई जी, और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ जी। मैं अयोध्या वासी हूँ तो, और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया था जी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में, ये राजनीति में ना लाए राजनीति लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में है, मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था, और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार, सर मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए, और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पर पावर है वो करें सर, जिस तरह बात पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें, और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान। जिस तरह बात की जाए अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा, सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार गंभीर रहे तो बहुत अच्छा। नीट को लेकर का जो अभी निर्णय आया, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार पे मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पे करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है और इसकी जाँच हो, और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। सर अयोध्या में, अयोध्या से सर भाजपा जीती है, अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई आई है। फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। सर देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जिस तरह बात की, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा हार गई है, और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अयोध्या ना आए, दर्शन ना करें, पूजा ना करें, यहाँ पर लोगों से बात कर दूरी बना के रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देते हैं, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको इस पर लड़ना नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव कैसे रहेगा सर आपका? बहुत मजबूती से लड़ेंगे, 403 सीटों पर। दिल्ली जल संकट को लेकर के क्या स्थिति है? दिल्ली जल संकट को लेकर के केंद्र में कहीं ना कहीं अमन मुटाव भी धीरे धीरे दिख रहा है। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके हालात क्या सब जानते हैं, और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 बार का नारा देने वाले 250 करोड़ नहीं कर पाए सर, समझिए ना क्या चल रहा है, जनता खिलाफ है, ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा, और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण, और प्रधानमंत्री जी भी देखे बहुत करीब से बच गए, वरना तो हो सकता है बनारस में भी दिल्ली जल संकट को लेकर क्या कहना इस चीज को, दिल्ली पानी की समस्या लगातार उत्पन्न होती है। अयोध्या वाले अगर दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं।